हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा अभी सिचुएशन इंडिया और चाइना का बहुत ही नाजुक है। आज अवर आर्मी चीफ भी बोले हैं। हम लोग एक विश्लेषण करने के लिए एक साइट पे देखे और इसमें है मिलिट्री स्ट्रेंथ किस कंट्री का कैसा है। तो इससे हमें जानकारी ये मिलेगा कि यदि कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि जहाँ पे इंडिया और चाइना लड़ते हैं तो सिचुएशन कैसा हो सकता है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है इसके ऊपर। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस साइट। इफ यू गो टू द साइट कॉल्ड globalfirepower.com, आपको ये स्टैटिस्टिक यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रैंकिंग कैसा है। तो हम लोग पहले जाते हैं ग्लोबल रैंकिंग को, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो नंबर वन रैंकिंग में करता है, रशिया नंबर टू में है, चाइना नंबर थ्री और इंडिया नंबर फोर में है, और फॉलोड बाय जापान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इजिप्ट है, ब्राजील है नंबर 10 पे, टर्की है नंबर 11 पे, इटली है 12 पे, जर्मनी है 13 पे, ईरान है 14 पे, और जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान में से पाकिस्तान नंबर 15 में है। तो ये वाला एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जाते हैं कि क्या हो सकता है यदि हम लोग एक एस्टिमेशन देखें, और आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है कि कैसा फायर पावर इज गोइंग टू वर्क आउट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोएलिशन बिल्डर में जाके आप देख सकते हो कि एक तरफ होगा, हम लोग चूज कर सकते हैं कंट्री, सारी कंट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 7 कंट्री है यहाँ पे ऑप्शन है। तो हम मोटा मोटी कौन कौन सा कंट्री इंडिया के साइड में रहेंगे पहले वो देखेंगे, पहले इंडिया को ले लेते हैं, उसके बाद हमारा सहयोगी इस सिचुएशन में अमेरिका लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये भी हो सकता है कि रशिया को भी लेते हैं, रशिया तो इंडिया का दोस्त ही है, और उसके बाद हम ले सकते हैं जापान को सिलेक्ट करते हैं, जापान जापान और ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, और ताइवान पक्का है क्योंकि ताइवान लड़ रहा है, और वियतनाम भी ले सकते हैं क्योंकि वियतनाम भी चाइना के अगेंस्ट में है। तो ये अपना हो गया एक कोलिशन पार्टी साइड। दूसरे में हम लोग लेंगे ऑब्वियसली चाइना नंबर वन पे रहेगा, नंबर वन कंट्री में कोलिशन में दूसरी पार्ट का दूसरी और रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान को एक जगह पर ले सकते हैं हम, ईरान शायद जा सकता है उस तरफ, तो ईरान को ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं, और टर्की जो कि नया दुश्मन दुश्मनी शुरू किया है इंडिया के साथ। तो ये आंकड़ा आता है आपके सामने।